हेलो एंड नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, दिस इज मी कुमार पंकज और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म क्रैक नाउ पर। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं घटनासार का महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जिसमें यूपीपीएससी 2024 और यूपीआरओएआरओ 2024 को टारगेट कर रहे हैं हम लोग। प्यारे बच्चे, हमने अभी तक 8 क्लासेस देख ली है, आज 9वीं क्लास है और इसमें हम देखेंगे आर्थिक करंट अफेयर को, यानी इकोनॉमिक करंट अफेयर का पार्ट 3। बहुत सारा करंट अफेयर इकोनॉमी में इस बार आया है पिछले 6 महीने में और सारा इंपॉर्टेंट है, तो हमने सोचा कि क्यों ना सारे करंट अफेयर को ही कवर किया जाए, क्योंकि क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, आधा घंटा ज्यादा पढ़ लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे। तो उसी बात को ध्यान में रखकर आज अंतिम वीडियो है आर्थिक का और आर्थिक करंट अफेयर का आज कंप्लीट हो जाएगा। कल से हम वन लाइनर करंट अफेयर में जाएंगे, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय में, फिर उसके बाद राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय का बड़ा करंट अफेयर भी देखेंगे जो टॉपिक या हेडिंग वाइज होता है और जीवन आसान हो जाएगा, फिर आप प्रिपेयर हो जाएंगे एग्जाम देने के लिए। कोई सा भी यूपीपीएससी 2024 या यूपीआरओएआरओ कोई भी दीजिएगा बिना टेंशन बिना झिझक, क्योंकि क्रैक नाउ जीवन आसान करता है बच्चे। चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण वीडियो और सबसे पहला करंट अफेयर है आपकी स्क्रीन पे, वर्ल्ड कोल एसोसिएशन का नया नाम फ्यूचर कोल ग्लोबल अलायंस फॉर सस्टेनेबल कोल कर दिया गया है। ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, वर्ल्ड कोल एसोसिएशन का यानी विश्व कोयला संगठन का नाम बदल के फ्यूचर कोल कर दिया गया है। ध्यान रखेंगे फ्यूचर कोल, ये आप देख भी पाएंगे स्क्रीन पे, फ्यूचर कोल द ग्लोबल अलायंस फॉर सस्टेनेबल कोल। आइए चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो वर्ल्ड कोल एसोसिएशन के नाम में ये परिवर्तन प्यारे बच्चे कोयला मूल्य श्रृंखला के आधुनिकीकरण और एक स्थायी मार्ग बनाने के उद्देश्य से किया गया है। ठीक है, तो उद्देश्य क्या है कि कोयला मूल्य श्रृंखला का आधुनिकीकरण किया जा सके और साथ ही साथ स्थायी मार्ग बनाने का जो उद्देश्य है उसकी प्राप्ति हो सके। कोयला क्षेत्र के लिए वैश्विक मंच यानी WCA, वर्ल्ड कोल एसोसिएशन जिसको कहते थे, इसका नाम लगभग 4 दशकों के बाद बदला गया है। कोयला और संबद्ध क्षेत्रों से आधुनिकीकरण के आह्वान के बाद WCA ने खुद को एक नई पहचान फ्यूचर कोल में बदल दिया है। तो आपसे सीधे नाम पूछेगा कि वर्ल्ड कोल एसोसिएशन का नाम अब क्या है, तो आपने बता देना होगा फ्यूचर कोल। और ये ऐसा पहली बार नहीं है बच्चे कि इसका नाम बदला गया है, पहले भी इसका नाम बदला जा चुका है, वो भी देखेंगे। फिलहाल आप ये ध्यान रखिएगा कि जो वर्ल्ड कोल एसोसिएशन है यानी विश्व कोयला संघ है, ये एक अंतरराष्ट्रीय गैर लाभकारी गैर सरकारी संघ है, यानी नॉन प्रॉफिटेबल और नॉन गवर्नमेंटल, एनपीओ एनएनजीओ है मेरे प्यारे बच्चे। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1985 में हुई थी। और इसके बारे में महत्वपूर्ण चीज जो याद रख सकते हैं, इसका हेडक्वार्टर तो ये लंदन यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी कोयला खनन कंपनी कौन सी है, कोल इंडिया लिमिटेड मेरे प्यारे बच्चे, वो इसकी सदस्य है और इसे वैश्विक कोयला उद्योग का प्रतिनिधित्व करने के लिए बनाया गया था, किसको, वर्ल्ड कोल एसोसिएशन को। इसके सीईओ मिशेल मनूक हैं प्यारे बच्चे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, मिशेल मनूक, जिन्होंने इसकी घोषणा नवंबर 2023 में नई दिल्ली में कर दी थी। किसकी, नाम परिवर्तन की। एसोसिएशन को पहले विश्व कोयला संस्थान के नाम से जाना जाता था, WCI के, वर्ल्ड कोल है ना इंस्टीट्यूशन के नाम से जाना जाता था, फिर इसको WCA कर दिया गया और वर्तमान में इसका नाम बदल गया है। आप इसको जानेंगे क्या नाम कर दिया है, फ्यूचर कोल प्यारे बच्चे। तो मैंने इसीलिए कहा था कि इसका ये जो नाम चेंज हुआ है फ्यूचर कोल, ये 3rd time है कि इसका नाम चेंज हुआ है, ध्यान रखेंगे महत्वपूर्ण है। चलिए अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखते हैं प्यारे बच्चे, भारत का प्रथम डिजिटल एस्क्रो प्राधिकरण, डिजिटल एस्क्रो प्राधिकरण, और भारत का प्रथम है, मैंने कई बार कहा है भारत का पहला, विश्व का पहला, या फिर जिस एग्जाम से आप, जिस स्टेट का आप एग्जाम दे रहे हो, यूपी का दे रहे हो, तो यूपी का पहला कुछ हुआ है, कोई पहली महिला की नियुक्ति या कोई भारतीय मूल का व्यक्ति कहीं नियुक्ति हो पाता है प्रथम बार, तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। भारत का प्रथम डिजिटल एस्क्रो प्राधिकरण मेरे प्यारे बच्चे अक्टूबर 2023 में एस्क्रो पे 1915 में स्थापित हुआ था।
ने अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी IFSCA गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस सिटी गिफ्ट सिटी गांधीनगर से भारत का पहला डिजिटल एस्ट्रो नियामक फिनटेक प्राधिकरण प्राप्त किया। ध्यान रखना है आपको, सिर्फ ये याद रखना है कि भारत का प्रथम डिजिटल एस्क्रो प्राधिकरण कहां है, तो गिफ्ट सिटी गांधीनगर से भारत का पहला डिजिटल एस्क्रो नियामक फिनटेक प्राधिकरण मिल चुका है भारत को, ये ध्यान रखेंगे। आपसे सीधे पूछेगा भारत का प्रथम डिजिटल एस्क्रो प्राधिकरण कहां है, गांधीनगर गिफ्ट सिटी गुजरात, ठीक है, गिफ्ट सिटी गुजरात गांधीनगर में है, ये आपको पता होगा। एस्क्रो पे क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, एस्क्रो पे एक विशिष्ट ब्रांड के साथ एक डिजिटल एस्क्रो और निपटान मंच है। एस्क्रो प्राधिकरण भारत में लगभग 70 मिलियन लघु और मध्यम उद्योगों यानी स्मॉल एंड मीडियम जो कंपनीज हैं उन सभी को सुरक्षित और कुशल वित्तीय समाधान प्रदान करेगा। तो ध्यान रखेंगे डिजिटल एस्क्रो अथॉरिटी या प्राधिकरण कहां है, गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात। अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, पहली सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा है ना, तो पहली है सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं किसने इसको शुरू किया है। तो मेरे प्यारे बच्चे भारत में रिलायंस जियो ने इसको शुरू करने का कार्य शुरू किया है, ध्यान रखेंगे। तो भारत की पहली हाई स्पीड इंटरनेट पहुंच का विस्तार करने के लिए भारत की पहली उपग्रह आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा जियो स्पेस फाइबर पेश की है रिलायंस जियो ने। और ये ध्यान रखना है इसकी शुरुआत या इस पहल का जो आधिकारिक अनावरण किया गया वो किया गया इंडिया मोबाइल कांग्रेस में जो 27 से 29 अक्टूबर को मेरे प्यारे बच्चे आयोजित की गई थी। इस परियोजना के लिए जियो ने लग्जमबर्ग में स्थित उपग्रह दूरसंचार नेटवर्क प्रदाता SES के साथ साझेदारी की है और रिलायंस SES के साथ मिलकर ये उपग्रह आधारित जो है गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा को भारत में शुरू करेगा। ये उपग्रह आधारित सेवा जियो फाइबर और जियो एयर फाइबर की मौजूदा पेशकशों में जोड़ी गई है, ध्यान रखेंगे महत्वपूर्ण रहेगा ये। अगला है भारत के पहले रेफरेंस गैसोलीन और डीजल ईंधन की शुरुआत की गई है, भारत का पहला है ये भी ध्यान रखेंगे रेफरेंस गैसोलीन और डीजल ईंधन की शुरुआत। आइए देखते हैं इसके बारे में। तो मेरे प्यारे बच्चे 26 अक्टूबर 2023 को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने भारत के पहले स्वदेशी रेफरेंस गैसोलीन और डीजल ईंधन की नई दिल्ली में शुरुआत की है मेरे प्यारे बच्चे। इसका उत्पादन इंडियन ऑयल के पारादीप और पानीपत रिफाइनरियों द्वारा किया जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो इंडियन ऑयल की दो रिफाइनरी हैं, एक पारादीप रिफाइनरी और एक पानीपत रिफाइनरी, ये दोनों ही रेफरेंस गैसोलीन और डीजल ईंधन की जो है आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे। और ये जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा अपनाई गई चार आयामी ऊर्जा सुरक्षा रणनीति है उसका फॉलोअप है। तो क्या है ये चार आयामी रणनीति, ऊर्जा आपूर्ति का विविधीकरण करना, भारत की खोज और उत्पादन पदचिन्ह बढ़ाना, वैकल्पिक ऊर्जा गैस आधारित अर्थव्यवस्था और साथ ही साथ ग्रीन हाइड्रोजन और EVS के माध्यम से ऊर्जा संक्रमण के स्रोत और बैठक। तो ये चार इनके ऊर्जा सुरक्षा रणनीतियां हैं भारत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की, उसी के जो है प्रावधान में ये सब किया जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। संदर्भ ईंधन गैसोलीन और डीजल प्रीमियम उच्च मूल्य वाले उत्पाद हैं, इन ईंधनों का उपयोग ऑटोमोबाइल क्षेत्र द्वारा वाहन के परीक्षण के लिए किया जाता है, ध्यान रखेंगे। तो ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए इन ईंधनों का प्रयोग किया जाता है। भारत इस विशेष ईंधन की मांग को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर है, तो इम्पोर्ट पर अभी तक भारत काम चला रहा है, अब इम्पोर्ट को कम किया जाएगा और पारादीप रिफाइनरी से संदर्भ गैसोलीन ईंधन का EO, E5, E10, E20, E85, E100 में उपलब्ध होगा प्यारे बच्चे, और डीजल ईंधन पानीपत रिफाइनरी से B7 ग्रेड में उपलब्ध होगा। तो जो पारादीप रिफाइनरी है वो गैसोलीन ईंधन मेरे प्यारे बच्चे सप्लाई करेगी और जो पानीपत रिफाइनरी है ये डीजल ईंधन सप्लाई करेगी। तो ध्यान रखिएगा काफी महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है ये।
अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर है मेरे प्यारे बच्चे, आरईएस लिमिटेड को एसोचैम द्वारा विविधता और समावेशन में सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता पुरस्कार दिया गया है। कौन सा पुरस्कार? सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता पुरस्कार, बेस्ट एम्प्लॉयर इन डायवर्सिटी एंड इंक्लूजन, एसोचैम ने दिया है ये पुरस्कार। चलिए आइए देखते हैं इसके बारे में मेरे प्यारे बच्चे। तो विद्युत मंत्रालय के अधीन है एक महारत्न कंपनी सीपीएसई आरईसी लिमिटेड। इस आरईसी लिमिटेड को एसोचैम द्वारा चौथे विविधता और समावेश उत्कृष्टता सम्मेलन में, जिसका आयोजन किया गया था 23 नवंबर 2023 को, उसमें विविधता और समावेश में नीतियों के लिए सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता पुरस्कार मेरे प्यारे बच्चे आरईएस लिमिटेड को दिया गया है। ध्यान रखेंगे ये पुरस्कार इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स यानी आईओडी द्वारा प्रदान किया गया, इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। मेरे प्यारे बच्चे, विविधता और समावेशन में नीतियों के लिए सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता पुरस्कार एक ऐसा कार्यस्थल बनाने के लिए आरईसी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है जो नवाचार को बढ़ावा देता है और सभी कर्मचारियों के लिए एक समान अवसरों को बढ़ावा देता है। तो काफी महत्वपूर्ण है कि इनोवेशन के साथ साथ सभी कर्मचारियों को एक जैसा जो है प्लेटफॉर्म देना, समान अवसर देना, ये बहुत बड़ी बात है मेरे प्यारे बच्चे। तो अक्टूबर में जोखिम प्रबंधन में आरईसी के असाधारण प्रदर्शन को देखते हुए इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर द्वारा गोल्डन पीकॉक अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये भी ध्यान रखेंगे, बेस्ट नियोक्ता अवार्ड मिल गया है, गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिल गया है, और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चे इसको 2023 में वित्तीय सेवा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय पीएसयू पुरस्कार भी मिला है। इसे डन एंड ब्रांड स्ट्रीट पीएसयू अवार्ड में ये अवार्ड मिला। तो तीन अवार्ड आरईसी को लगातार 2023 में मिले हैं प्यारे बच्चे, बेस्ट नियोक्ता अवार्ड, गोल्डन पीकॉक अवार्ड और मेरे प्यारे बच्चे सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय पीएसयू अवार्ड। तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, इससे क्वेश्चन बन सकता है, आरईसी को याद रखेंगे। अगला करंट अफेयर है नीति आयोग का राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, यानी नीति आयोग ने लॉन्च किया नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जिसको कहते हैं एमपीआई मेरे प्यारे बच्चे। और एमपीआई ये 2023 के लिए जारी किया गया है, तो इसको याद रखेंगे 2023 के लिए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नेशनली इसको जारी किया जाता है। चलिए आइए इसके बारे में पढ़ते हैं और बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कब जारी किया गया मेरे प्यारे बच्चे? तो 15 जुलाई 2023 को नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी या सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? बीवीआर सुब्रमण्यम मेरे बच्चे। कौन है? बीवीआर सुब्रमण्यम, ठीक है, ये याद रखेंगे। इनके द्वारा जारी इस सूचकांक में गरीबी से मुक्त लोगों की जानकारी दी गई। ये राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे एनएफएसएस आता है मेरे प्यारे बच्चे 2015-16 और उसके बाद लेटेस्ट आया, और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 के बीच बहुआयामी गरीबी को कम करने में भारत की प्रगति को दर्शाता है, यानी 5 वर्षों में, ठीक है। तो कब से कब तक हम देख रहे हैं? 2015-16 से 2019-21 के बीच कितनी जो है बहुआयामी गरीबी कम हुई है, इसको ये दिखाता है। तो नीति आयोग के अनुसार मेरे प्यारे बच्चे, इन बीते 5 वर्षों में 13.5 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर मुक्त हुए हैं। ध्यान रखेंगे कितने लोग? 13.5 करोड़ लोग मेरे प्यारे बच्चे। तो ये काफी बड़ा आंकड़ा है, 13.5 करोड़ लोग पॉवर्टी से बाहर आ गए हैं मेरे प्यारे बच्चे, पॉवर्टी को कम किया गया है। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें। अगर हम देखें कि ग्रामीण क्षेत्रों में पॉवर्टी कितनी कम हुई है प्यारे बच्चे, तो ग्रामीण क्षेत्रों में पॉवर्टी हो गई है 19.28%, जो पहले कितनी थी 2015-16 के समय 32.59। तो 32.59 से घटकर 19.28% ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रह गई है। वहीं अगर शहरी क्षेत्रों में गरीबी की बात करें, तो शहरी क्षेत्रों में गरीबी मेरे प्यारे बच्चे घटकर 5.27% रह गई है।
तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब आपसे पूछे ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी कितनी है, तो 19.68 और 28, और मेरे प्यारे बच्चे शहरों में 5.27% गरीब अभी भी निवास करते हैं। ये जो रिपोर्ट आई है प्यारे बच्चे, इसमें 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा 707 एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट यानी प्रशासनिक जिलों में मल्टी डायमेंशनल गरीबी का आकलन प्रस्तुत किया गया है। इस सूचकांक का उद्देश्य क्या है, तो महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक और अन्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त इंडेक्सेस या सूचकांकों के निगरानी तंत्र का लाभ उठाना है, जिससे परिणामों में सुधार लाने के लिए इन सूचकांकों के उपयोग को सक्षम किया जा सके और वैश्विक स्तर पर इन सूचकांकों में भारत के प्रदर्शन में उन्हें प्रतिबिंबित किया जा सके। क्या, क्योंकि ये तो राष्ट्रीय स्तर पे है, नीति आयोग जारी कर रहा है, वैश्विक स्तर पे भी तमाम जो है सूचकांक जारी होते हैं, हंगर इंडेक्स जारी होता है, HDI इंडेक्स जारी होता है, तो उनमें भी भारत की स्थिति और बेहतर हो सके उसके लिए ये जो है आंकड़े खुद से नीति आयोग देखता है। प्यारे बच्चे, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के आंकड़ों के आधार पर केंद्र सरकार के थिंक टैंक ने पाया कि भारतीय आबादी में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की हिस्सेदारी 2015-16 में जहां 24.85% थी, उससे घटकर 14.96% हो गई है 2019-21 में। तो इसमें कितनी गिरावट हुई है, 9.89% की गिरावट इसमें आई है। नीति आयोग ने मेरे प्यारे बच्चे रिपोर्ट में यह भी कहा है कि जो मल्टी डायमेंशनल गरीबी है उसके अनुपात में सबसे तेजी से कमी अगर किसी राज्य ने की है तो वो मेरे प्यारे बच्चे उत्तर प्रदेश है। कौन सा राज्य है, यूपी है। यूपी में मेरे प्यारे बच्चे 34.3 मिलियन लोग यानी 3.43 करोड़ लोग मेरे प्यारे बच्चे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आए हैं, जो सबसे ज्यादा शानदार आंकड़ा है 5 वर्षों में। मेरे प्यारे बच्चे 5 वर्षों में आप देखिए कि 3.5 करोड़ लोगों को लगभग पॉवर्टी से बाहर निकाला है उत्तर प्रदेश सरकार ने। इसके बाद बिहार ने ज्यादा बेहतर पर्सन जो है परफॉर्म किया, 2 करोड़ 2.25 करोड़ लोगों को। एमपी ने मेरे प्यारे बच्चे 1.35 करोड़ लोगों को, राजस्थान ने 1.08 करोड़ लोगों को मेरे प्यारे बच्चे पॉवर्टी से बाहर निकाला है। तो सबसे बेहतर परफॉर्म करने वाले राज्य आपसे पूछ ले तो यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश बताइएगा मेरे प्यारे बच्चे। पहले पे उत्तर प्रदेश, दूसरे पे बिहार और तीसरे पे मध्य प्रदेश है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से बाहर निकालने में अपने मेरे प्यारे बच्चे जो है लोगों को। चलिए अब आ जाते हैं अगली महत्वपूर्ण रिपोर्ट पे। अगला, एयर इंडिया में विस्तारा के विलय को प्रतिस्पर्धा आयोग की मंजूरी मिल गई है। एयर इंडिया में विस्तारा का विलय, तो विस्तारा का विलय हुआ है एयर इंडिया में, ये आप याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर है ये। आपको पता होगा पिछले वर्ष ही एयर इंडिया को टाटा ने खरीद लिया था और अब एयर इंडिया में विस्तारा के विलय को मंजूरी दे दी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। क्या है ये, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसको आप CCI भी पढ़ते हो मेरे प्यारे बच्चे। तो CCI ने टाटा सन्स के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में टाटा SIA एयरलाइंस यानी TSL विस्तारा के विलय को मंजूरी दे दी है। तो ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, TSL विस्तारा के एयर इंडिया लिमिटेड में विलय के बाद एयर इंडिया लिमिटेड का अस्तित्व बना रहेगा तथा 218 विमानों के बेड़े के साथ ये भारत की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय करियर तथा दूसरी बड़ी डोमेस्टिक करियर विमान सेवा कंपनी बन जाएगी। यानी अब एयर इंडिया भारत में ऐसी कंपनी बन गई जो सबसे ज्यादा इंटरनेशनल सेवाएं दे रही है, सबसे बड़ी है, और भारत में डोमेस्टिक में दूसरे नंबर की है, सबसे बड़ी इंडिगो है। तो ध्यान रखेंगे बहुत, ये विलय के बाद जो है एयर इंडिया का वर्चस्व बढ़ा है और इस विलय के पश्चात मेरे प्यारे बच्चे एयर इंडिया लिमिटेड की इक्विटी में सिंगापुर एयरलाइंस लिमिटेड को कुछ हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए भी अनुमति दे दी है CCI ने यानी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें और ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, तो एयर इंडिया लिमिटेड जनवरी 2022 से पूर्व सार्वजनिक क्षेत्र की विमान सेवा कंपनी थी, पता होगा आपको, जिसको बेचा गया
और इसकी 100% इक्विटी को मेरे प्यारे बच्चे हिस्सेदारी टाटा सन्स ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी टेलेस प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से 27 जनवरी 2022 को खरीद ली थी। तो टाटा सन्स मदर कंपनी है और इसकी एक कंपनी है टेलेस प्राइवेट लिमिटेड। तो टेलेस प्राइवेट लिमिटेड ने जो है एयर इंडिया को खरीदा था। और विस्तारा की अगर बात करें प्यारे बच्चे, तो विस्तारा टाटा सन्स व सिंगापुर एयरलाइंस लिमिटेड का संयुक्त उपक्रम है, जिसमें टाटा सन्स व सिंगापुर एयरलाइंस लिमिटेड की इक्विटी क्रमशः 51% और 49% है। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो मेरे प्यारे बच्चे विस्तारा होगी, विस्तारा में 51% शेयर टाटा का है और 49% शेयर मेरे प्यारे बच्चे सिंगापुर एयरलाइंस का है। ये ध्यान रखेंगे जो वर्तमान में डील हुई है उसके अकॉर्डिंग। आगे बढ़ते हैं, अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर है श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट में महिला श्रम बल हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है। यानी श्रम बल का सर्वेक्षण आया और उसमें पता चला है कि महिला श्रम बल लगातार बढ़ रहा है, जो कि एक अच्छी जो है संकेत है और हम कह सकते हैं कि महिलाओं के लिए ये बहुत ही बेहतर रहने वाली चीज है। तो श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट में मेरे प्यारे बच्चे बताया गया सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा 9 अक्टूबर 2023 को जारी श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट यानी लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट 2022-23 में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार 2022-23 में देश में महिला श्रम बल भागीदारी यानी फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो 2021-22 में 32.8% था, वो बढ़ के कितना हो गया है, 37% हो गया है। यानी जो लेबर फोर्सेस हैं, लेबर फोर्सेस का पार्टिसिपेशन है वो अब 37% हो गया है। तो 63% अभी भी मेल है और फीमेल फिर भी बड़े हैं, चलिए 32.8 से 37 तक गई है ये जो है आंकड़ा। इस प्रकार 4.2% बिंदु की वृद्धि एक वर्ष में इसमें हुई है, ये महत्वपूर्ण बात है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। तो ध्यान रखना है, अगर हम श्रम में महिला श्रम बल भागीदारी 2017-18 में देखें तो ये 23.3% थी, जो बढ़कर अब धीरे धीरे 37% तक पहुंच गई है। तो ये ध्यान रखेंगे 17-18 से वर्तमान समय में 37 तक पहुंची है। महिला जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं यथा लड़कियों की शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता सुविधा व कार्यस्थल पर सुरक्षा यानी सेफ्टी इन द वर्क स्पेस आदि के मामलों में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के चलते भारत में श्रम भागीदारी के मामले में जो महिलाओं ने एक नया मुकाम हासिल किया है, इसमें सरकार का काफी बड़ा योगदान है। अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर है मेरे प्यारे बच्चे कांतार ब्रांड्स रिपोर्ट 2023। कांतार ब्रांड्स रिपोर्ट 2023, तो इसके नाम से समझ में आ रहा है कि ये ब्रांडिंग को रिपोर्ट करता है कि कौन सी ब्रांडिंग का महत्वपूर्ण परफॉर्मेंस है। तो WPP की रिसर्च विंग कांतार द्वारा मेरे प्यारे बच्चे सितंबर 2023 में शीर्ष 75 सर्वाधिक मूल्यवान भारतीय ब्रांड्स की सूची जारी की गई और इस सूची में प्यारे बच्चे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS को सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांड घोषित किया गया है, जिसकी कुल ब्रांड वैल्यू 42,869 मिलियन अमेरिकी डॉलर बताई गई है। कांतार की सूची में ICICI बैंक 6th स्थान पर है और इसकी ब्रांड वैल्यू 12,976 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। और मेरे प्यारे बच्चे 7वें स्थान पर एशियन पेमेंट्स की ब्रांड वैल्यू है, ये भी ध्यान रखेंगे, एशियन पेंट्स, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। कोटक महिंद्रा बैंक इस सूची में मेरे प्यारे बच्चे 10वें स्थान पर है। तो सबसे महंगी ब्रांड, सबसे वैल्यूएबल ब्रांड आपको ध्यान रखना है, ये है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी TCS। अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर है HDFC का, HDFC बैंक में विलय हो गया है। HDFC बैंक में विलय है ना। एक बार मैंने आपको जब इकोनॉमी पढ़ा रहा था तो वहां पढ़ाया था कि IDBI का IDBI बैंक में विलय हो गया, यानी अपनी अनुसंगी में विलय। और ऐसा यहां भी हम देख रहे हैं कि HDFC का पेरेंट कंपनी का अपनी अनुसंगी कंपनी में विलय हो गया। प्यारे बच्चे आइए देखते हैं, तो आवास वित्त क्षेत्र की निजी क्षेत्र की कंपनी है HDFC, जिसको कहा जाता है हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन।
इसका विलय 1 जुलाई 2023 को मेरे प्यारे बच्चे एचडीएफसी बैंक में हो गया है। इस विलय के लिए योजना की घोषणा पहले ही अप्रैल 2022 में की जा चुकी थी। सभी वैधानिक औपचारिकताओं के पश्चात इस विलय के लिए मार्च जून 2023 में प्रशस्त हो गया था, ये ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे बच्चे। एचडीएफसी बोर्ड की इस अंतिम बैठक के बाद एचडीएफसी का एचडीएफसी बैंक में विलय 1 जुलाई 2023 से प्रभावी हो गया है, ये ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे बच्चे। इस विलय के कारण एचडीएफसी की सभी शाखाओं ने एचडीएफसी बैंक के रूप में कार्य शुरू कर दिया है। तो जितनी भी एचडीएफसी की शाखाएं थी वो एचडीएफसी बैंक के रूप में अब कार्य करेंगी, ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चे। तो आइए इसके बारे में ये चीज और देखते हैं कि एचडीएफसी के शेयर्स 13 जुलाई 2023 से स्टॉक एक्सचेंज से हटा लिए गए तथा एचडीएफसी के शेयर धारकों को उनके प्रति 25 शेयरों के बदले एचडीएफसी बैंक के 42 शेयर दिए गए हैं, ये बात ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे बच्चे। इस विलय के पश्चात बाजार पूंजीकरण यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन जिसको एमकैप कहते हैं, एमकैप की दृष्टि से एचडीएफसी बैंक देश भर में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पश्चात दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है, क्योंकि दो कंपनियों का जो है मर्जर हुआ है तो अब कंपनी बड़ी हो गई है तथा टाटा कंसल्टेंसी सर्विस को इसने तीसरे स्थान पर पिछाड़ दिया है। तो अब भारत में पहली बड़ी कंपनी रिलायंस है, दूसरे पे एचडीएफसी है प्यारे बच्चे, तीसरे पे टीसीएस है। आज एचडीएफसी बैंक देश में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक बन गया है और ध्यान रखेंगे 1 जुलाई 2023 में एचडीएफसी का विलय अपनी ही अनुसंगी इकाई एचडीएफसी बैंक में हो गया है। अनुसंगी इकाई का तात्पर्य क्या है, पहले एचडीएफसी आया, फिर इसका पेरेंट ये पेरेंट कंपनी हुई यानी ये मदर कंपनी हुई प्यारे बच्चे, और इसकी एक ब्रांच बनी एचडीएफसी बैंक, इसको कहा जाएगा अनुसंगी कंपनी क्योंकि ये इसके बाद आई। तो ऐसा दूसरी बार हुआ है कि पेरेंट कंपनी का विलय अपनी अनुसंगी कंपनी में हो गया हो। ऐसा आईडीबीआई के साथ हुआ था, वो आईडीबीआई बैंक में मर्जर हुआ और अब एचडीएफसी का एचडीएफसी बैंक में मर्जर हुआ है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये था आर्थिकी का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। इसके बाद अब हम वन लाइनर फैक्ट्स देखेंगे कल से जो घटना सार में दिए हुए हैं, और उसके बाद फिर हम राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर को देखेंगे। तो ऑलमोस्ट 4-5 वीडियोस में जीवन आसान हो जाना चाहिए आपका, आधा आधा घंटे के वीडियो रोज देखते रहो, पेपर आने तक आपका काम हो जाएगा, फिर मैं इसका मैराथन भी दूंगा आपको, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, शेयर जरूर करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, हैव ए गुड डे, जय हिंद।